11 की जगह 15 का नाम, क्या है आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर का काम। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में और मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु जायसवाल। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है जो 2023 में, वो 31 मार्च से, और इस बार जो आईपीएल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इंटरेस्टिंग क्यों भाई, आखिर देखें एंटरटेनमेंट तो हर साल होता है, पैसा भी हर साल बरसता है, मजा भी हर साल आता है, बट एक चीज जो एक कॉन्सेप्ट इस बार बीसीसीआई ने लागू किया है आईपीएल में वो है इंपैक्ट प्लेयर। जी हाँ, इंपैक्ट प्लेयर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो प्लेयर है वो इतना इंपैक्ट डालेगा गेम में कि आपको भी मजा आएगा, क्योंकि हम लोग भी खुद एक्साइटेड है जब मैच देखेंगे, और जब इंपैक्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट आएगा आईपीएल में तो वो किस तरह से मैच को प्रभावित करेगा और रिजल्ट पर कितना खास जो है असर डालेगा वो तो भाई देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बिग बैश लीग जो है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, वहां पर भी एक्स फैक्टर नाम से ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो पिछले साल हुई वहां पर भी इंपैक्ट प्लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सपेरिमेंट किया गया, और ऋतिक शौकीन बने थे पहले इंपैक्ट प्लेयर जो दिल्ली और मणिपुर के बीच जो मैच खेला गया था। उसके बाद से बीसीसीआई ने अब डिसीजन लिया है कि भाई आईपीएल में भी इस कॉन्सेप्ट को लागू किया जाएगा। तो क्या है इंपैक्ट प्लेयर और क्या है उसके रूल्स, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो इंपैक्ट प्लेयर जो है वो एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहेगा जो प्लेइंग 11 का हिस्सा तो नहीं होगा बट प्लेइंग 11 में किसी प्लेयर को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि खेलते हैं 11 खिलाड़ी बट जो 12वां खिलाड़ी होगा वो रहेगा इंपैक्ट प्लेयर। इंपैक्ट प्लेयर अगर बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ था, और ये सुपर सब जैसा, जो पहले सुपर सब कॉन्सेप्ट आया था उसके जैसा ही, या फिर यू कहें कि फुटबॉल और रग्बी में जैसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर का जो कॉन्सेप्ट होता है ये कुछ इसी तरह का जो नियम है। अब अगर बात करें इसके रूल्स की तो भाई टॉस के टाइम जब कप्तान जो अपने प्लेइंग 11 डिसाइड करता है उसके साथ साथ कप्तान को चार एक्स्ट्रा प्लेयर्स का नाम भी अनाउंस करना पड़ेगा नॉमिनेशन के लिए कि हाँ भाई ये हमारे चार सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई एक खिलाड़ी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम में शामिल होगा। अब इंपैक्ट प्लेयर जो है प्लेइंग 11 में से ही किसी एक प्लेयर को रिप्लेस करेगा, अगर जैसे मान लीजिए कोई बैटर है तो बैटर को रिप्लेस करेगा, बॉलर है तो बॉलर को, ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर को, विकेट कीपर है तो विकेट कीपर को, इस तरह से इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो कॉन्सेप्ट जो है वो इंप्लाई किया जाएगा, यानी कि इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ 14 ओवर कंप्लीट होने से पहले पहले इंपैक्ट प्लेयर के कॉन्सेप्ट को लागू करना होगा, अगर 14 ओवर खत्म हो गए तो उसके बाद इस प्लेयर के कॉन्सेप्ट को लागू नहीं किया जाएगा। इंपैक्ट प्लेयर बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, विकेट कीपिंग भी, जो भी उसकी कैटेगरी है, जो भी उसका क्राइटेरिया है, जो भी उसकी प्रोफाइल है वो चीज़ वो कर सकता है। सेम कैटेगरी प्लेयर यानी कि सेम प्रोफाइल के प्लेयर को आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो आउट हो चुका है अगर बैटर, मान लीजिए बैटर अगर आउट हो चुका है तो उसकी जगह भी वो इंपैक्ट प्लेयर आ सकता है और फिर से बैटिंग कर सकता है। साथ ही साथ जो रिप्लेस प्लेयर है यानी कि जो इंपैक्ट प्लेयर आएगा और जो रिप्लेस करेगा जिस खिलाड़ी को, वो उस मैच में वापस से हिस्सा नहीं ले सकता, यानी कि सब्स्टिट्यूट फील्डर भी वो खिलाड़ी नहीं बन सकता। अब इंपैक्ट प्लेयर को आप कब अनाउंस कर सकते हैं या कब कॉन्सेप्ट को ला सकते हैं, लागू कर सकते हैं, या तो स्टार्टिंग पारी की स्टार्टिंग में, या फिर ओवर की आखिरी में यानी कि ओवर के खत्म होने के बाद, या फिर अगर विकेट गिर गया हो तब, या फिर अगर इंजरी हो गई हो तब। अब साथ ही साथ ये जो इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो 10 ओवर वाले गेम में एप्लीकेबल नहीं होगा, मिनिमम 11 ओवर किसी भी गेम में होना चाहिए तब जाकर ये जो कॉन्सेप्ट है उसे लागू कर सकेंगे। साथ ही साथ इंपैक्ट प्लेयर ओवरसीज प्लेयर नहीं हो सकता, अगर आपकी प्लेइंग 11 में आपको पता है 11 खिलाड़ी जो आईपीएल में एक टीम में खेलते हैं उसमें चार होते हैं ओवरसीज यानी कि फॉरेनर्स। अब अगर आपने चार ओवरसीज ऑलरेडी खिला लिए तो आप इंपैक्ट प्लेयर को ओवरसीज नहीं कर सकते, यानी कि ओवरसीज प्लेयर नहीं होगा इंपैक्ट प्लेयर, उसकी जगह इंडियन प्लेयर ही होगा, यानी कि आप ये तो क्योंकि चीटिंग हो जाएगी भाई कि आपकी प्लेइंग 11 में ऑलरेडी चार ओवरसीज हैं, अब आप जो इंपैक्ट प्लेयर ला रहे हो वो भी ओवरसीज हो जाएंगे, तो इस तरह से 5 ओवरसीज। इस कॉन्सेप्ट को बीसीसीआई इजाजत नहीं देता है, इसीलिए चार ओवरसीज रहेंगे तो फिर इंपैक्ट प्लेयर इंडियन प्लेयर होगा, अगर चार से कम यानी कि 3 ओवरसीज हैं या 2 हैं या 1 है तब आप इंपैक्ट प्लेयर जो है आपका ओवरसीज प्लेयर भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर बीच ओवर में विकेट गिर गया और उसके बाद अगर आप बॉलर को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो जो नया बॉलर आएगा यानी कि जो नया इंपैक्ट प्लेयर आएगा वो उस ओवर में बॉलिंग नहीं कर पाएगा कंटिन्यू, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी ओवर के बीच में 19.1 ओवर के बीच में आप किसी बॉलर को इंट्रोड्यूस करते हो कि भाई ये हमारा इंपैक्ट प्लेयर है, बट आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उसी ओवर में, वो ओवर वही डालेगा जो बंदा आप डाल रहा है, उसके बाद वाले ओवर से वो बंदा जो है रिप्लेस हो जाएगा, इस तरह से ये रहेगा इंपैक्ट प्लेयर का रूल्स।
तो इस वीडियो में आपने देखा कि भाई किस तरह से इंपैक्ट प्लेयर काम करेगा, इंपैक्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट काम करेगा और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। और अब आईपीएल 2023 और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आने वाला है जब इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है लागू होगा। देखते हैं कप्तान कोच किस तरह से डिसाइड करते हैं अपने चार सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स को और उनमें से कौन इंपैक्ट प्लेयर होता है और ये इंपैक्ट प्लेयर कितना असर डालता है मैच के रिजल्ट पर, ये तो देखने वाली बात होगी। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ आपको इंपैक्ट प्लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया या नहीं, और आपको क्या लगता है कि कितना इंपैक्ट कर सकता है ये इंपैक्ट प्लेयर आईपीएल 2023 में, और जो भी आपकी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।